दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैंने बेसिक बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम बेस से स्टार्ट करके एकदम टोटल जो भी बेसिक्स में आपको पढ़ने थे, चाहे वो ट्रायंगल से हो या क्वाड्रिलेटरल से हो या फिर आपका सर्कल से क्यों ना हो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आपका त्रिभुज से हो या फिर चतुर्भुज से हो या फिर वृत्त से क्यों ना हो, सभी का बेसिक मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बेसिक जैसे ही खत्म होता है उसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके सहायता से आप आसानी से सेकेंडों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि SSC लेवल में पूछे जाते हैं या फिर जो भी अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन फैक्ट्स के हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं फैक्ट्स को आपको बताऊंगा और साथ ही प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आप ध्यान लगाकर देखते रहिए ताकि आपका जो भी तैयारी हो और अच्छे ढंग से कॉन्क्रीट तरीके से हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला फैक्ट क्या है, तो हम लोग मेंसुरेशन का फैक्ट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे। तो देखिए पहला फैक्ट क्या है, हमारा पहला फैक्ट है यदि किसी आयत की आसन्न भुजाओं में एक को, अच्छा आसन्न भुजा मतलब समझिए, तो सबसे पहले देखिए क्या बोला, आयत है ना, तो आप एक आयत ही ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका आयत, ठीक है, ये क्या है आयत। अब बोल रहा है कि यदि किसी आयत की आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब क्या है, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, क्या होगा आसन्न भुजा होगा, तो आसन्न भुजाओं में एक को स्थिर रखकर दूसरे को के गुना किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल भी के गुना हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब ये आपका आसन्न भुजा है, ये आपका आसन्न भुजा, ये दोनों, ठीक है, या फिर ये दोनों आपका आसन्न भुजा है, इसमें से किसी एक को अगर आप जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लेते कि इसको आप के गुना कर दिए, इसको क्या किए के गुना बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा के समझिए कि आप इस तरह से बना दिए आप, ठीक है, आप मान के चलिए ये क्या है एक आयत है, ठीक है, इसको आप क्या किए के गुना, ठीक है, के गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं, तो पता है क्या होगा, क्या होगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल भी के गुना हो जाएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल पहले मान लेते कुछ होगा, मान लेते हैं कि पहले a वर्ग, ठीक है, a वर्ग मीटर था, तो अब क्या हो जाएगा, ये भी के, अब जो क्षेत्रफल होगा जो कि आप के गुना बढ़ा दिए हैं इसका आसन्न भुजा, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, एक के गुना, जितना आप बढ़ाए के गुना बढ़ाए ना, तो के गुना ही इसका वर्ग, इसका जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। तो देखिए अगला फैक्ट क्या है, यदि किसी आयत की आसन्न भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर दूसरी भुजाओं को के प्रतिशत से बढ़ाया या घटाया जाए तो क्षेत्रफल भी के प्रतिशत से क्रमशः बढ़ेगा या घटेगा। बोलने का मतलब क्या है, उसी तरह से ऊपर वाले की तरह देखिए, जिस तरह से आपने के गुना किया कि आसन भुजा को बढ़ाया, ठीक है, तो क्षेत्रफल भी क्या हुआ, जो आपका एरिया था, ठीक है, क्षेत्रफल जो कि पहले a वर्ग मीटर था, अब क्या हुआ, k गुना एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है, a वर्ग मीटर, तो क्या हुआ, k गुना बढ़ गया क्योंकि आपने आसन्न भुजा को बढ़ाया। तो उसी तरह से यदि किसी आयत की, ठीक है, यदि, तो जिस तरह से इस वाले में क्या हो रहा था, आसन्न भुजा जैसे ही बढ़ रहा था, कोई भी दो आसन्न भुजा है ना यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे का आसन भुजा है, या फिर ये दोनों एक दूसरे का आसन भुजा है, कोई एक बढ़ रहा था, मान लेते ये के गुना बढ़ रहा है, ठीक है, तो के गुना बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया के गुना बढ़ा, तो क्षेत्रफल अगर मान लेते पहले वाले का क्या था, पहले वाले का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर था, तो अब क्या होगा, के गुना ज़्यादा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, चूंकि के गुना ज़्यादा आसन भुजा में से एक भुजा के गुना बढ़ गया था। उसी तरह से यदि किसी आयत की आसन भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर दूसरी भुजा को के प्रतिशत से बढ़ाया या घटाया जाए तो क्षेत्रफल की के प्रतिशत से क्रमशः बढ़ेगा या घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर आप भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बोला, यदि किसी आयत के आसन्न भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर, उसी तरह से जिस तरह से ऊपर आपने देखा, ठीक है, मान लेते कि ये आयत है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल मान लेते हैं कि कोई भी मान लेते ए प्रतिशत है, फिलहाल अभी इसका ए प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि यदि किसी आयत, अच्छा अभी ए प्रतिशत इसको छोड़िए, ठीक है, अब ऊपर से समझिए और क्लियर होगा। यदि किसी आयत के आसन्न भुजा में से एक को स्थिर रखकर दूसरी भुजा को के प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो मान लेते कि देखिए ये और ये एक दूसरे का आसन है, ये और ये एक दूसरे का आसन भुजा है, तो इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, अगर के प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो मान लेते कि इसी को हम क्या करते हैं, के प्रतिशत बढ़ा देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ा या घटा देंगे कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है आप बढ़ाइए या फिर घटाइए, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल भी के प्रतिशत से क्रमशः बढ़ या घट जाएगा। तो जो क्षेत्रफल मान लेते पहले इसका ए प्रतिशत था, ए प्रतिशत मत मानिए आप ए वर्ग मीटर ही मान लीजिए, ठीक है ए वर्ग मीटर मान लीजिए, तो नया जो क्षेत्रफल आएगा बढ़ाकर के प्रतिशत आसन भुजा को बढ़ाकर या घटाकर, तो नया जो क्षेत्रफल आएगा वर्ग का, सॉरी वर्ग नहीं आयत का, तो वो क्या हो जाएगा के प्रतिशत जो है वो बढ़कर, ठीक है क्षेत्रफल जो है वो के प्रतिशत बढ़कर या घटकर आपको मिलेगा। ठीक है आई होप आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यदि यदि एक वर्ग का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ठीक है क्या है, यदि एक वर्ग तथा आयत की परिमिति समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होगा। ठीक है क्या समझे, यदि एक वर्ग तथा आयत की परिमिति, देखिए बोला दो वर्ग है, एक वर्ग एक आयत है, दो फिगर है यहाँ पे, एक मान लीजिए यहाँ पे वर्ग है, ठीक है और एक क्या है आयत है, ठीक है ये वर्ग मान के चलिए क्या है वर्ग है, ठीक है एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्या बोला परिमिति समान है, ठीक है दोनों का परिमिति समान है, मान लेते हैं कि इसका परिमिति कितना है, इसका परिमिति है 16 और इसका भी मान लेते हैं कि 16 ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोनों का 16 है, इसे मान लें 16 मीटर और ये भी 16 मीटर का है, ठीक है हो तो अब क्या बोला वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होगा, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है कैसे, चलिए प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं, जब इसका पेरीमीटर 16 है तो इसका हर एक भुजा कितना होगा 4 करके होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 4 का स्क्वायर है ना, कितना हो गया 16, ये वर्ग का हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया वर्ग का 16 हो गया। अब देखिए इसका परिमिति कितना है, इसका परिमिति 16 है, इसका मतलब क्या हुआ 16 है इसका मतलब इसका हर एक भुजा निकालना हो, ठीक है सॉरी इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना हो तो क्या करेंगे आप, तो परिमिति बराबर होता है 2l + b, ठीक है तो सोचिए क्या हो जाएगा यहाँ पे l कितना लेंगे और b कितना लेंगे ताकि 16 हो जाए और साथ ही दो से गुना करेंगे तो 16 हो जाए। ठीक है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं आपका, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहले तो दो से काट लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 8, मतलब l प्लस बी जोड़ के कितना आना चाहिए 8, तो मान लेते हैं ना आप जो लंबाई है ये लंबाई आपका मान लीजिए कितना 6 और चौड़ाई जो मान लीजिए 2, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर कितना हुआ 6 × 2 बराबर कितना आया 12, देखिए वर्ग से छोटा आया ना, तो यही फैक्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो, ठीक है दो वृत्त है मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त ये, ठीक है और इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि कुछ भी ले लीजिए आप, मान लेते हैं इसका त्रिज्या है आपका 2, ठीक है इसका त्रिज्या है 2, ठीक है 2 यूनिट मान लीजिए आप, ठीक है और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है 1 है, तो क्या बोला है उसकी परिधियों का भी वही अनुपात होगा, मतलब जो त्रिज्या का अनुपात है दोनों जो मानते हैं सर्कल ए सर्कल बी, सर्कल ए जो है उसका त्रिज्या कितना 2 और जो सर्कल आपका बी है उसका त्रिज्या कितना 1, ठीक है तो दोनों का अनुपात क्या हो गया त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया 2:1, ठीक है तो बोल रहा है कि इन दोनों का परिधि जो होगा ना सेम ही होगा, परिधि भी क्या होगा यही सेम अनुपात ही होगा, परिधियों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। चलिए प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो आपने क्या माना त्रिज्या इसका 2, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि इज इक्वल टू 2πr होता है बराबर 2 × π × r कितना 2, ये पहला का हो गया है ना अनुपात, चलिए दूसरा का तो वो भी तो 2πr ही होगा, तो 2πr तो यहाँ पर 2 × π × r कितना, जैसे r तो दूसरे का 1 है तो 1, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है 2 से ये 2 कैंसिल, फिर क्या आ गया 2:1, तो वही यहाँ पर बताया है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं में यदि m n का अनुपात हो तो उसकी परिधियों का भी वही अनुपात होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, जो अगला पॉइंट हमारा, ठीक है अगला जो पॉइंट है वो है दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m n का अनुपात हो, ठीक है दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m n का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात m² n² होगा। मतलब फिर से देखिए दो वृत्त है मान लेते हैं, ठीक है इसमें त्रिज्या पहला का त्रिज्या मान लेते हैं 2 और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या मान लेते हैं कि 1, ठीक है तो अनुपात क्या हो गया दोनों वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया 2:1,
ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर एम एन का अनुपात हो त्रिज्याओं का, जो भी अनुपात हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उसी का स्क्वायर होगा, है ना। देखिए स्क्वायर है ना, एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर, मतलब चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए इस वृत्त में आपने त्रिज्या कितना माना, दो। इस वृत्त का त्रिज्या कितना माना आपने, एक। ठीक है, तो आपका इसका रेडियस आपको पता है, इसका रेडियस पता है, तो इस पहले वाले का हम निकाल सकते हैं क्या क्षेत्रफल, चलिए निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अनुपात दूसरे का, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई और ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर जो कितना है इसका, दो है, तो दो का स्क्वायर। अनुपात इसका आर कितना है, वन है, तो वन का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, चार अनुपात एक आया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर। देखिए जो त्रिज्या कितना था, दो अनुपात एक था, क्षेत्रफल के जब बारी आया क्षेत्रफल निकालने का, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, उन्हीं का स्क्वायर बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एम अनुपात एन हो, ठीक है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात रूट अंडर एम, ठीक है, अनुपात रूट अंडर एन होगा। मतलब क्या, देखिए अगर आपका दो वृत्त दिया हुआ है, फिर से दो वृत्त आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको वृत्त मान लीजिए, ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब मान लेते हैं कि पहला का क्षेत्रफल है दो, ठीक है, दो वर्ग, दो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे का है, इसका है वन स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, तो बोल रहा है कि उसकी त्रिज्या का अनुपात रूट अंडर एम अनुपात रूट अंडर एन होगा। मतलब बस आप क्या करेंगे कि ये जो आपका क्षेत्रफल है ना, और आपका ये जो दोनों का क्षेत्रफल आपका पता है, ठीक है, तो इसका अनुपात अगर बोले आपका दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, दो अनुपात एक हो जाएगा। तो अब बोले कि नहीं, आपका क्षेत्रफल का अनुपात नहीं चाहिए, इन दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। क्या बताइए, त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो बस करना क्या होगा आपको कि जो भी क्षेत्रफल है ना उस पर आप रूट डाल दीजिए, मतलब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा, मतलब अच्छा सॉरी, क्षेत्रफल का तो आपका दिया हुआ है अनुपात दो अनुपात एक, ठीक है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात, उनका जो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या है ना का अनुपात, ठीक है, जो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस इन दोनों के ऊपर रूट डाल दीजिए, तो रूट अंडर टू अनुपात रूट अंडर वन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि दो वर्गों की भुजाओं या विकर्णों का अनुपात एम अनुपात एन हो, तो क्या बोल रहा है, यदि दो वर्गों की, दो वर्ग है, मान लेते ये पहला वर्ग और ये आपका दूसरा वर्ग, ठीक है, दो वर्ग हैं, तो दो वर्गों की भुजाओं या विकर्णों का अनुपात, या तो भुजा का अनुपात या फिर विकर्ण का अनुपात, ये आपका विकर्ण, ये आपका विकर्ण का अनुपात m अनुपात n हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात m स्क्वायर n स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब चलिए मान लेते भुजा, मान लेते इसका भुजा जो है ये 2 है, ठीक है, और इसका भुजा है 1, तो दोनों का जो भुजा का अनुपात क्या हो गया, दो अनुपात एक, दो अनुपात हो एक हो गया, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, बस इसके ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए, तो दो का स्क्वायर अनुपात एक का स्क्वायर, यानी क्या, चार अनुपात एक। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बेसिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात एम अनुपात एन हो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात एम अनुपात एन हो, तो उसकी भुजाओं का विकर्णों का अनुपात रूट अंडर एम अनुपात रूट अंडर एन होगा। मतलब क्या, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब मान लेते कि दो वर्ग हैं यहाँ पे, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, ठीक है, तो यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात एम अनुपात एन है, मतलब मान लेते इसका जो एरिया है वो है आपका मान लीजिए एम, और इसका एरिया है वो है एन, तो अनुपात क्या हो गया, देखिए तो अनुपात क्या हो गया, m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n हो गया। तो बोल रहा है कि उसकी भुजाओं का विकर्णों का अनुपात, तो उसकी भुजाओं की होगा यहाँ पे विकर्णों का अनुपात रूट अंडर m और रूट अंडर n ही होगा। मतलब बस आप क्या कीजिए, इसके ऊपर ऐसा मान लीजिए m की जगह मान लीजिए कि ये इसका जो एरिया है ये दो वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका जो एरिया है वो एक वर्ग सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे पूछे कि नहीं, इसके विकर्ण, ये जो वर्ग है इसका विकर्ण और इसका विकर्ण
है ना, दोनों का अनुपात निकालिए। तो क्या करेंगे आप, जो क्षेत्रफल आपका मिला ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है उन्हीं के ऊपर रूट डाल दीजिए। मतलब क्या करेंगे, 2 के ऊपर रूट डाल दीजिए अनुपात, और इसका क्षेत्रफल क्या है 1, तो इसके ऊपर भी 1 के ऊपर भी रूट डाल दीजिए। ये बन गया आपका क्या, विकर्णों का जो अनुपात है वो ये बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्णों पर बना एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे काफ़ी बार एग्जाम्स में जो आपका SSC के लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बहुत से बुक्स वगैरह में देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आपको इसी से आपका क्वेश्चन मिल जाता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए बोलता है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग का जो विकर्ण है, ठीक है, इस विकर्ण पे और एक त्रिभुज और एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसी पे क्या और एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि ये जो पहला वाला वर्ग है, ठीक है, और जो दूसरा वाला वर्ग है, उन दोनों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमेशा वो जो अनुपात होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1:2 ही होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, मान लेते हैं कि एक वर्ग है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कोई एक वर्ग है उसी के विकर्ण के ऊपर और एक वर्ग बना हुआ है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इन पहला वाला जो वर्ग है उस पर दूसरा जो बना हुआ वर्ग है उन दोनों के बीच क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमेशा 1:2 ही होगा। जब भी क्वेश्चन पूछे टिक कीजिए, डायरेक्ट देखिए कहाँ किस ऑप्शन में 1:2 है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की, देखिए दो समबाहु त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, प्रत्येक भुजा बराबर, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है और एक दो समबाहु त्रिभुज आपका बन चुका, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहे यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात m:n हो, मान लेते इसका भुजा m है, ठीक है, और इसका भुजा क्या है n है, ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर थे, मतलब ये भी m, ये भी m, ये भी n, n है ना, और ये भी n और ये तो n है, ठीक है। तो अगर अनुपात क्या हो, भुजाओं का m:n हो, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात m²n² होगा, ठीक है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, बस भुजा का स्क्वायर निकाल दीजिए, और इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके भुजा का स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है, वही बन जाएगा दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहला वाला असंभव त्रिभुज और दूसरे वाला संभव त्रिभुज का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, m:n हो, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात m:n हो, तो उसकी भुजाओं का अनुपात √m/√n होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि दो समबाहु त्रिभुज है, मानते हैं पहला ये समबाहु त्रिभुज, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब क्या बोले, इनका क्षेत्रफल जो है, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि आपका 4 वर्ग मीटर है, इसका मान लेते हैं 3 वर्ग मीटर है, ठीक है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा फिर। तो देखिए अगर आपसे पूछे भुजाओं का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल आपको दे दिए, बोला भुजाओं का अनुपात निकालिए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सीधा बस इतना करना है कि ये जो 4 है ना इसको √n में डाल दीजिए, ये जो 3 है ना जो कि क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, इसको √n में डाल दीजिए, बस ये बन गया नया अनुपात क्या का, इन दोनों संभव त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, यदि एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में से प्रत्येक को n से गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल n गुना हो जाएगा। काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि यदि एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में से प्रत्येक को n से गुना कर दिया जाए
तो उनके क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल मतलब इसका वर्ग का, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बोला एक वर्ग है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और एक क्या है, एक वृत्त है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में भुजा मिलेगा, वर्ग में भी आपको भुजा मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा, आपका त्रिज्या मिलेगा। तो बोल रहा है कि इसका भुजा मतलब वर्ग का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा और वर्ग की त्रिज्या को n से गुना किया जाए, मतलब इसके भुजा को n से गुना कर दीजिए, इसके भुजा को n से गुना कर दीजिए और इसकी त्रिज्या को n से गुना कर दीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सॉरी n होगा, n गुना हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें दो से गुना करते हैं, इसमें भी दो से गुना करते हैं, इसमें भी दो से गुना करते हैं, तो प्रत्येक का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, चार हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और सारी के सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी आपको पसंद आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, जहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उनके से जो क्वेश्चंस है उसके सेट्स को लगाएंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, जो टोटल 50 क्वेश्चन के सेट्स होंगे उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।